प्लान बताने का मौका दिया। और आज हमारे बीच में कुछ नए लोग होंगे, मैं तो मतलब उस हद के लोगों से कुछ ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोग नए होंगे तो उनको लगता होगा कि आज बहुत कम लोग हैं। लेकिन हमारे सेमिनार में हमेशा बताया जाता है कि शहर के बच्चे दो ही अच्छे, मानते हैं आप लोग? यस। तो इन थोड़े से लोगों के लिए और इन शहरों के बच्चों के लिए और हमारी दीदियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पर प्लान दिखाने की जिम्मेवारी थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि 6 से 7 मिनट में इसको मैं क्लोज करूंगा। तो मैं समझता हूँ कि प्लान दिखाने के लिए मेरे को यहाँ पे माइक की थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसको मैं रख के अगर बताऊँ तो चलेगा? चलेगा। ये आवाज पीछे तक आ रही है? यस सर। देखिए सर, ये जो मार्केटिंग प्लान है ये हमारे बिजनेस की आन बान शान माना जाता है, और इस प्लान के बिना हमारा बिजनेस शुरू ही नहीं होता है। जिसने इस प्लान को समझा वो इस बिजनेस को छोड़ेगा नहीं, और तब तक नहीं छोड़ेगा कि जैसे कि मेरे एक लेवल है रॉयल्टी की वहां तक आने तक, और उसके बाद फिर ये बिजनेस, ये प्लान उसको ऐसे आगे लेके चले जाता है। तो हम लोग सारे सब इंसान हैं। यस सर। और इस धरती पे जितने भी इंसान हैं, जो लोग हैं, उनको जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ साधन संसाधनों की जरूरत पड़ती है, पड़ती है जी? यस सर। तो वो सारी चीजें हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से, बाजार से, दुकान से, हमारी गली के मार्केट की दुकान से। तो हम लोग को मान लिया गया कि यहाँ पे कस्टमर है हम लोग सब कस्टमर। yes. तो ये सारी चीजें हम कहाँ से खरीदते हैं? ये रिटेलर से, मानी मार्केट से। yes. तो मार्केट से खरीदते हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि ये रिटेलर अपने घर में बनाता है कोई चीज? No. नहीं बनाता। ये किसी होलसेलर से लाता है, ये किसी एजेंट से लाता है, किसी डीलर से लाता है, और ये मैन्युफैक्चरर यहाँ पे जो कंपनी तैयार करती है वहां से लाता है। तो इस तरीके से सामान हम तक आता है, इस तरीके से सामान हम तक आता है और हम खरीदते हैं। तो ये हो गया ट्रेडिशनल सिस्टम। और जिस सिस्टम की हम बात करने वाले हैं उससे पहले का सिस्टम हमको समझना जरूरी है, जिसको पारंपरिक व्यवसाय या ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये मैन्युफैक्चरर हमारा एक एवरेज है कि वो 80 रुपये में एक सामान बनाता है, और 80 रुपये में सामान बनाता है तो उसका मुनाफा लेगा वो? यस। तो जब उसने मशीनें लगाई है, वर्कर्स लगाए तो वो लेगा, माल लगा रहा है तो लेगा, तो 100 रुपये में वो मार्केट में बेचता है। तो क्या हम तक 100 रुपये में आती है? No. बिल्कुल नहीं आएगी जी। तो क्या होता है कि वो किसी एजेंट के हाथ में आने से पहले उसकी एडवर्टाइजिंग होती है। अब एडवर्टाइजिंग के बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लॉकडाउन लग गया कि कोई विशाल नाम का हार्पिक नाम के प्रोडक्ट की ऐड करता था 6-7 करोड़ में। अब किसी उसके एक्सपर्ट के कंपनी के ध्यान में आया कि इसको कुछ अलग स्टार से कराना चाहिए, अक्षय कुमार से करा, उसने कई करोड़ रुपए ले लिए। तो वो हुआ क्या कि उस 100 रुपये पे उसका मुनाफा लग गया। लगेगा? अक्षय कुमार फ्री में ऐड करेगा? No. नहीं करेगा सर। उसका लग गया। और ये जो बिचौलिया है, जो 3-4 लोग मैंने बताया, इसमें बहुत सारे होते हैं मिलावट करने वाले, बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे वर्कशॉप भी होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि सामान आगे पहुंचाने का काम करते हैं और मिलावट करने का काम करते हैं। कोई अलग काम करते हैं क्या? No. नहीं। लेकिन उनका भी मुनाफा, उनका भी बेनिफिट इसके ऊपर लगता है। तो होता क्या है कि ये 100 रुपये की चीज हम तक आते आते 200 की हो जाती है। अब 200 की हो रही है, 100 रुपये कंपनी को जा रहे हैं तो लीगल है, वो काम कर रही है, और 100 रुपये जा रहे हैं बिचौलिए। माने परसेंटेज में निकाले तो 50% 50% पैसा इन बिचौले में जा रही है 85% लोग, और हम कस्टमर है 15% तो पहली बार बता रहा हूँ, दो दिन बाद बता रहा हूँ, उल्टा सीधा हो रहा है 20%। हाँ, ये 85% कस्टमर है और लगभग 10-15% ये व्यापारी है, बिचौलिए है। तो बहुत दिनों के बाद मौका मिला है, तो थोड़ा सा मैं भी आप जैसा नया होता है। तो जब 85% लोगों का पैसा ये 15% में बटेगा, ये लोग जल्दी जल्दी फास्ट में अमीर बनेंगे। यस, बिल्कुल बनेंगे। होता क्या कि ये सिस्टम में यही लोग अमीर बने, और ये कस्टमर का कुछ भी नहीं, एक प्रोडक्ट लाया उसका रेफर फेंक दिया, प्रोडक्ट यूज किया, उसका कोई मुनाफा नहीं। लेकिन अगस्त 2000 में आदरणीय तिलोक जी, उन्होंने सोचा, एक बार तिलोक जी के लिए मैं जोरदार ताली बजाऊंगा, भारत भर के कस्टमर का कोई भी फायदा नहीं इस ट्रेडिशनल सिस्टम में। एक नया सिस्टम कहीं से आया है, यूरोपियन देश से, अगर मैं उसको अमल में लाता हूँ तो मेरे जो करोड़ों जो मेरे देशवासी है उनका फायदा हो सकता है। और उन्होंने अगस्त 2000 से सिस्टम चालू किया, और इस सिस्टम से को नाम दिया, नाम है डायरेक्ट सेलिंग मेथड।
इस सिस्टम को क्लोज किया और डायरेक्ट सेलिंग से काम शुरू कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि आप यहाँ पर कस्टमर थे, यहाँ पर एसोसिएट बायर बनना है, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट देकर के आपको जिसने भी बुलाया, जिसने भी लाया, जिसने भी प्लान दिखाया, एसोसिएट बायर बनना है और यहाँ इस शॉपिस से वो जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को पूरा करके इस शॉपिस से खरीदना है। इस शॉपिस से खरीदते हैं तो ये जो 50% यहाँ पर जो इन बिचौलियों में जा रहा था वो यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर बचेगा तो यूजर और काम करने वाले यानी इस्तेमाल करने वाले और काम करने वालों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो कैसे किया जाए, ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम मैंने बताया, जो हम नासे में जुड़ने से पहले जो भी भाई है उससे पहले जो इस्तेमाल कर रहे थे, ये समझ में आया आपके? यस। डायरेक्ट सेलिंग समझ में आया? यस। अब इसमें आना कैसे है? आना कैसे है तो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट आपके स्पॉन्सर को देना है और यहाँ पर आपका फ्री रजिस्ट्रेशन करवाना है। फ्री रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों ने किया, कुछ लोग अभी नए होंगे, उनको कराना है। और करने के बाद जैसे आपके स्पॉन्सर बताते हैं कि उस शॉप से आपको पहले इससे ले रहे थे, अब यहाँ से लेना है और लेने के बाद में आपको मिलेंगे बेनिफिट। ऐसे यूजर सिर्फ इस्तेमाल करने वालों के लिए चार फायदे यहाँ पर मिलेंगे जो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। पहले काम करना आपके स्पॉन्सर बताएंगे, वो अगली बात है, पांचवा फायदा है। तो पहला फायदा यहाँ पर आपको 5-25% डिस्काउंट मिलेगा आपके एमआरपी में, जो भी आरसीएम का एमआरपी है, एमआरपी मार्केट के एमआरपी के 1900 का ज्यादा, ये सब बताया जाता है कि कई कई कंपनियां की एमआरपी के डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन उनकी एमआरपी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आरसीएम की एमआरपी लगभग 1900 की मार्केट से, उससे 5-25% आपको डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा फायदा है आपको 10-32% आपका पीवीए परचेस वैल्यू उससे रिटर्न आएगा मंथ के हिसाब के बाद में। तीसरा फायदा है आपको ओरिजिनल बिल मिलेगा नोट बिल से। ये सब इसको बहुत हमारे नए लोग कम फायदा समझते हैं या कोई मतलब का फायदा नहीं समझते, लेकिन 70-80% हम लोग एफएमसीजी या किराना जो भी इस्तेमाल करते हैं, क्या किसी के घर में आज तक किराना लाया तो टैक्स कट करके बिल मिला किसी को? टैक्स कट करके बिल मिला? नहीं मिला। मैंने गवर्नमेंट को हम लोग 70-80% टैक्स ही नहीं देते, लेकिन अगर वो देते हैं तो हमारा देश तरक्की में हमारा हाथ लग सकता है। हम कॉलर टाइट करके बोल सकते हैं कि अगर मैं शैम्पू में 1 रुपए का लगा के आया हूँ तो उसका टैक्स बढ़कर करे मैं वो इस्तेमाल करके आया हूँ। ये तीसरा फायदा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चौथा फायदा है आपका 30 डेज मनी बैक गारंटी। 30 दिनों तक आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए जो प्रोडक्ट आपका साबुत है, जैसे 2 पेन लेके गया, मैं 1 इस्तेमाल किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ या रिप्लेस में दूसरी चीजें लेके जा सकता हूँ। इसे नौबत आज तक तो मेरे बिजनेस में 30 महीने की नहीं आई, या कोई साइज कम ज्यादा हो गई थी तो एक बार अंडरग्राउंड के बारे में आया था तो रिटर्न करके दिया था मैंने, तो ऐसी नौबत आती नहीं, क्योंकि आज से प्रोडक्ट भी ऐसी क्वालिटी की बनाता है कि उसको हमारी करना पसंद नहीं है। ये चार फायदे जिसके भी कंफर्म होते हैं तो वह पांचवें फायदे के लिए अपना काम स्टार्ट कर सकता है, वो सेल्फ बिजनेस। अब सेल्फ बिजनेस में मैं अगर स्टार्ट करना चाहूँ इस चौक में तो मेरे को पान का ठेला भी लगाना, तो 1 लाख के कम लगेगा नहीं, और उसके बाद में चलेगा या नहीं चलेगा क्योंकि वहां पे पहले से कोई कर रहा है तो मेरा चलने देगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहां पर आपको बिजनेस चलाने के लिए अप्लाई कंपनी प्रोडक्ट या सारा सपोर्ट सिस्टम होता है, और वो सपोर्ट सिस्टम आपको बिजनेस सेल्फ बिजनेस करने में मदद करता है। जैसे कि मेरे को इन सारी अप्लाई ने मदद की और आज मैं एक स्टार बोर्ड पे लेवल पे हूँ तो धन्यवाद सबका मैं करूँगा। तो यहाँ पर उसी तरीके से सबको ये 5 फायदे के लिए मदद की जाती है, और उसके बाद में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, ये 45% हमको यहाँ पर जो बच रहे थे, 5% मैं बताना भूल गया कि कंपनी ट्रांसपोर्ट के लिए लेती है, और 45% जो बचते हैं ये हमको बांट देती है। जैसे जैसे बचता है कि 12, 14, 16, 18, 19, 20 करते करते परफॉर्म भी 32% तक मिलता है, 8% रॉयल्टी मिलती है और 5% यहाँ पर आपको टेक्निकल 32, 40, 45% जो यहाँ पर बच रहा था ये कंपनी हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्लान ठीक है। यहाँ से आगे जो रॉयल्टी का है हमारे अगले सीनियर बिल्कुल डिटेल में रॉयल्टी बताएंगे, और समय की पाबंदी भी है मेरा मतलब ये रोल भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आपके समझ में आया होगा, आप सबने मेरे को सुना उसके लिए धन्यवाद। और मैं अगली जिम्मेवारी के लिए अगली